कर दिया जाता तो क्या कहेंगे? वो इस देश का हीरो होगा। यदि उसको कर दे तो जो इस देश का दलित और पिछड़ा जाति का लोग है, जो इस देश का जागरूक समाज है, वो उनको अपने कंधे बैठाएगा और हम लोग राजेंद्र पाल गौतम को अपने कंधे बैठाएंगे और उनकी पूरे देश में यात्राएं शुरू करेंगे। इस देश में जो पाखंडवाद चल रहा है उसका पर्दाफाश करेंगे, लोगों को समझाएंगे। अभी जो लोग रह गए हैं, जो लोग अनभिज्ञ हैं, जो लोग इन्होंने बहरक्का रखे हैं, आप इन लोगों की बात करते हो, इन लोगों ने कभी आज इतने साल से भाजपा की गवर्नमेंट है कोई दलितों के ऊपर कोई विचार किया है? इन्होंने 31 अक्टूबर को एक गाइडलाइन जारी की नीति आयोग ने कि हम लोग सामान्य वर्गों के बराबर दलितों को ले जाएंगे। इन बेईमानों ने एक कदम भी नहीं उठाया। कौन सा काम किया है? प्रस्ताव पारित किया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 51वीं बैठक थी, 27 जून 2005 को बुलाई गई थी, उसमें सब मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री नहीं आए थे, प्रधानमंत्री, सारी कैबिनेट होती है, सबने प्रस्ताव पास किया। ये एक बार नहीं, कई बार पास हो चुका। इसमें बेईमान और भ्रष्ट और गुंडे लोग बैठे हुए हैं, जो भी आज तक आए हैं सरकार में, सब लोग ऐसे ही लोग आए हैं। और हमारा उत्थान विकास होने की बजाय हम लोगों को जमीन में गाड़ते जा रहे हैं। आरक्षण कभी पूरा नहीं हुआ, प्रमोशन पे अड़चन लगा देते हैं। क्या किया इन्होंने हमारे लिए? जमीन बांटी नहीं, बेईमानों ने दाब रखी, अपने कब्जे कर लिए। ये हम लोग को कहते हैं, हम लोग को जो अत्याचार, अब हम वो अत्याचार नहीं सहेंगे। हमें यदि ये हमारे ऊपर कोई जुल्म ज्यादती करेगा तो हम, यदि वो हमारा 2 आदमी मारेंगे तो हम इनके 10 आदमी मारेंगे। हम लोग पहल नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर यदि जुल्म अत्याचार होगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। और हम लोग अब चुपके से जान गंवाने वाले नहीं है। जो जुल्म जाती, जैसे अभी लखीमपुर खेरी में इन्होंने 2 बच्चियों को, उनको इनके आदमियों ने रेप किया, रेप करने के बाद में उसके बाद उनका मर्डर किया, मर्डर करके छोड़ा होता तब भी कुछ बात दी। आप पेड़ पर लटकाने की बात है, पेड़ पे इनका लटकाया। मैं तो ये कहता हूँ टिट फॉर टैट होना चाहिए था। अभी जो इस तरह की हम लोग को, क्योंकि न्याय तो मिलता नहीं है, 1% भी हम लोग को न्याय नहीं मिला। ये सब लोग जो भी है, अदालतें इनकी हैं, उन्हीं लोगों की हैं, ब्राह्मण बैठे हैं सारे, उनसे हम न्याय की उम्मीद करें? उन्हें उम्मीद करते पर कोई दिखाया तो होता? हमें आज तक किसी भी अदालत ने ये बताओ कौन सा फैसला दिया? जितने कांड हुए सबको ये बाइज्जत भरी करते हैं। ये इन लोगों ने कभी दोबारा इंक्वायरी करने के लिए केस कोर्ट से भेजा है, CBI को भेजा है, या किसी और इंक्वायरी सेटअप की है, SIT बनाई है? ये सब लोग, पुलिस भी और यहाँ भी, ये सब भ्रष्टाचारी है। और सारा देश को बड़ागर करने के, आज हमारा देश जो सबसे उन्नत देश होना चाहिए था, सबसे पीछे रह गया। आज इसकी आर्थिक स्थिति बर्बाद है, आर्थिक स्थिति इतनी खराब है और भी सब तरह से। और यहाँ आज ये 80 करोड़ आदमियों को रोटी दे रहे हैं, आप 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर होता है कि लोगों के पास ना 2 टाइम की रोटी का खाने का नहीं है। और ये सच्ची बात है नहीं, लोगों को इन्होंने इस हाल में ला के छोड़ दिया है कि जहाँ रोटी भी मुयसर नहीं है। ये देश को कह रहे हैं कि हम लोग विश्वगुरु बने, ये जो बातें करते हैं विश्वगुरु बनने की, इन लोगों को अकल नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। विश्वगुरु बनने के लिए आदमी को सबके साथ प्यार, मोहब्बत, देश प्रेम और सबको आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। ये गिन गिन करके, चुन चुन करके आदमियों को अच्छा बोला भरा बर्ताव करते हैं। ये दलितों के साथ जो इन्होंने व्यवहार कर रखा है, जो किया जा रहा है, उसके ऊपर आज तक कहीं न्याय मिला है? तो हम लोगों के दिल को मत छुओ, हमारे दिल में बहुत बड़े बड़े घाव हैं, दर्द हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यदि ये देश को अपनी सरकार चलानी है, हमें कोई भी राज करे इससे नहीं है, लेकिन न्यायप्रिय सरकार होनी चाहिए। चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, ये जात पात हमने बनाई है, इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने बनाई है, जात पात की बात छोड़ दो और सबको एक साथ ले करके जो लोग पीछे रह गए उनके लिए अलग से व्यवस्था करके उनको आगे बढ़ाओ। लेकिन नाम के लिए होता है, बीच में सब माल यही खा जाते, इन्हीं के लोग हैं, दल्ले हैं ये, इनके लोग दल्ले हैं, दलाली करते हैं, पैसे निकाल निकाल के उसमें खा जाते हैं, गरीब तक वो पहुंचती नहीं है। पहले एक हमारे प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे पहुँचते हैं गाँव तक। तो ये लोग कौन है? ये बेईमान लोग हैं। आज देश में कहते हैं कि भाई बर्बादी, दलितों का आरक्षण खत्म कर दो, इन्हें बर्बादी कर दी। अरे इसमें ये दिल्ली में ही आप सोच लो, ये सड़क किसने बनाई, ये पुल किसने बनाए, ये दिल्ली में जो इतनी बिल्डिंगें खड़ी की किसने की, ये सब हमारे गरीब लोगों की बनाई हुई है। मेहनत मजदूरी करके हम इस देश को चला रहे हैं। आपने क्या किया? मंदिरों में बैठ के घंटे बजाए, पैसा इकट्ठा किया,
लोगों को मूर्ख बनाया, इसके अलावा क्या किया आपने? आपने कौन सा किया? और आज जो किताबें लिख रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति लाए हैं, ये देश को बर्बाद करने के लिए लाए हैं। ये कोई आदमी समझ नहीं रहा, ये हर आदमी समझ रहा है। लेकिन ये मुट्ठी भर लोग जो इस देश के ब्राह्मण है, इन लोगों को सोचना चाहिए, बनाना चाहिए कि देश में यदि विद्रोह होगा तो इस वक्त गदर मचेगा। गदर में कौन लोग मारे जाएंगे? वही लोग मारे जाएंगे, उन्हीं लोगों की शामत आने। हमारे पास क्या जाएगा? हमारे पास है क्या जो हमारा चला जाएगा? मर जाएंगे हम, जिद्दे भी मरे के बराबर ही हैं। तो हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि वो देश को बहुत इज्जत के साथ, प्यार के साथ सब लोग ऐसे चलाएं कि ये देश हमारा है, सबका है, हम सब इस देश के वासी हैं। हम लोग प्यार से इस देश को चलाना चाहते हैं, और जो लोगों के हाथ में ये आज की बागडोर है, वो इस देश को, अपनी बागडोर को ऐसे इज्जत के साथ चलाएं, सबको साथ लेकर चले। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।